DRDO सेप्टम 10 स्टोर असिस्टेंट, जी हाँ, किस तरीके से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। देखो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप की जो फाइनल कट ऑफ है वो परसेंटाइल बेस्ड ही इस बार भी रहेगी, और यहाँ पे आप मार्क्स पता नहीं कर सकते क्योंकि डेटा पूरा आपका है वो DRDO के पास, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ रैंक पता कर सकते हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आपकी परसेंटाइल की जितनी कट ऑफ गई है, आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में उस पर्टिकुलर जो स्टोर असिस्टेंट में आपकी कितनी वैकेंसी है, तो वैकेंसी जितनी है उनमें 8 से 9 का मल्टीप्लाई कर लो। रिस्पेक्टिव कैटेगरी की वैकेंसी बता रहा हूँ, तो 8 से 9 का मल्टीप्लाई कर लो, इधर परसेंटाइल को 100 से माइनस कर लो, और जो परसेंटाइल आपका आया है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो जो टोटल कैंडिडेट जिनको 8 से 9 में आपने मल्टीप्लाई किया है, और उसमें 100 से अपना परसेंटाइल माइनस करके वहाँ पे रख दो, तो आपको अपनी रैंक जो है वो आपको पता लग जाएगी कि आपकी रैंक इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपकी कितनी आई हुई है, ठीक है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी भले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं, बल्कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है।